नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। दोस्तों, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा के पानीपत से। अगर आप फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहे हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं ना कहीं फ्लाईओवर के नीचे से गुजरते समय आपके साथ एक बड़ा हादसा हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें दोपहर के समय पानीपत के फ्लाईओवर के नीचे अचानक से एक बड़ा भारी भरकम पाइप जो है वो गिर जाता है कई वाहनों के ऊपर। लगभग 50 फुट की ऊंचाई से जो है वो पाइप गिर जाता है, जिसके बाद अचानक से लोग हक्के बुचक्के रह जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। बता दें हरियाणा के पानीपत में सोमवार दोपहर को एक बड़ा हादसा हो गया, और यहां पर बता दें तो लगभग संजय चौक पर एलिवेटेड हाईवे से जो पानी और गंदगी से भरा हुआ लोहे का पाइप अचानक नीचे गिर जाता है, जिसके बाद जो है जितने भी वाहन वहां से गुजर रहे होते हैं उनके ऊपर ये पाइप गिर जाने के बाद जो है अचानक भगदड़ मच जाती है। मौके पर स्थानीय लोग भी पहुंचते हैं, उन्होंने पाइप को नीचे दबे लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन पाइप जो है ज्यादा वजन होने की वजह से राहत कार्य में दिक्कत भी काफी ज्यादा आ जाती है। किस तरीके से मामला प्रशासन के संज्ञान में जो है आता है, और ऐसे में टीमें भी वहां पर पहुंचती हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो है ट्रैफिक की व्यवस्था को भी जो है देखा जाता है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, जानकारी के अनुसार ये एक ड्रेनेज पाइप है एलिवेटेड हाईवे, बरसाती पानी की निकासी को लेकर लगाया गया था। यह करीब 50 फुट की ऊंचाई से अचानक नीचे गिर जाता है। जब वाहनों के ऊपर जब ये पाइप गिरता है तो वाहन पूरे नीचे दब जाते हैं, पाइप भी 50 फुट ऊंचाई से नीचे गिरता है। और बता दें तो वहां पर जो वाहन होते हैं उनमें एक कार सवार जो लोग हैं, इनमें दो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। बता दें दोपहर करीब 2:30 बजे जीटी रोड पर जब ये हादसा होता है जिसमें दो लोग घायल हो जाते हैं, और साथ साथ आपको बता दें तो इसमें करीब 6 गाड़ियां और एक मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। एक घायल को नजदीक के निजी अस्पताल में दाखिल कराया जाता है, एक व्यक्ति इसमें गंभीर भी बताया जा रहा है। बता दें तो जो L&T कंपनी है इसका रख रखाव जो था वो L&T कंपनी के पास था, और ऐसे में एक बड़ा यहां पर लापरवाही का मामला जरूर सामने आ रहा है। आप गाड़ियों की हालत एक बार देख सकते हैं, लोग वहां पर कितनी ज्यादा संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, गाड़ी के अंदर कुछ परिवार भी जो है वहां पर गुजर रहे होते हैं। गाड़ी की हालत आप देखकर अंदाजा लगाइए कि आखिर पाइप कितना ज्यादा भारी होगा, और 50 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर जाने के बाद जो है वो लोगों की हालत क्या हुई ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जिस तरीके से L&T कंपनी प्रबंधन की लापरवाही जो यहां पर जरूर देखी जा रही है, और केस जो है यहां पर दर्ज जरूर किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ये फ्लाईओवर L&T कंपनी ने जो फ्लाईओवर बनाया है इसका रख रखाव भी जो है जिम्मा भी कंपनी का ही था, और ऐसे में हादसे के जो है मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कंपनी यहां आम लोगों से टैक्स भी वसूलती है। जो लोग फ्लाईओवर का इस्तेमाल नहीं करते वह भी टोल टैक्स देकर ही निकलते हैं। लाखों रुपए का टोल टैक्स वसूलने के बावजूद प्रबंधन की ये हालात है, कंपनी प्रबंधन पर केस दर्ज होना चाहिए, जो कि लोगों की वहां पर मांग भी वहां पर उठ रही है। लोगों में भगदड़ देखी किस तरीके से मची हुई है, लोग किस तरीके से वहां पर इस हादसे को देखकर जरूर हैरान हो रहे हैं। अगर आप फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, और किस तरीके से यहां पर वाहनों क्षतिग्रस्त वाहनों की आप तस्वीरें जरूर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से ये हादसा आपने देखा, कितने गंभीर तरीके से वो भाई पाइप इतना ज्यादा भारी था कि जब वाहनों पर गिरा तो वाहन जो कारें थी वो बीच में से किस तरीके से दब जाती हैं। बता दें तो बाइक सवार व्यक्ति था वहां पर, उसके ऊपर गिर जाता है। अभी बता रहे हैं कि इसके अंदर हालांकि मौत की खबर अभी तक जानकारी नहीं आई है, लेकिन इतना बता दें कि व्यक्ति एक गंभीर बताया जा रहा है और कई लोग जो है इसके अंदर घायल भी बताए जा रहे हैं। आप सभी से कहेंगे फ्लाईओवर के नीचे से अगर गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं जो है लोग भी इस बात का ध्यान कहीं ना कहीं नहीं रख सकते, क्योंकि वो वाहन चला रहे हैं, इसलिए इन कंपनियों पर जरूर निकेल कसी जानी चाहिए। बता रहे हैं कि जो पाइप लगा हुआ था उसे स्प्रॉकेट, छोटे छोटे स्प्रॉकेट जो होते हैं उनसे उसे संभाला गया था, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं कंपनियां जब ऐसी चीजों को बनाती हैं, जब निर्मित करती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाहियां तो उसी समय कर दी जाती हैं जिस समय वो फ्लाईओवर बनाया जाता है। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें। अभी आगे जो है संज्ञान में पुलिस के मामला आया है, और इस मामले में जो भी जरूरी तरीके से FIR दर्ज जो है वो प्रशासन के खिलाफ करनी होगी। जो इस समय उस चीज की सारी मेंटेनेंस करने वाला प्रशासन है वो जो है अभी आगे की जाएगी, लेकिन फिलहाल उम्मीद करते हैं कि जो लोग फिलहाल गंभीर बताए जा रहे हैं वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।